हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। टॉपिक देख लिया, थंबनेल देख लिया और टाइटल भी देख लिया। तो टॉपिक कहाँ से देखा यार? अरे देख तो लिया यार तुमने थंबनेल में और टाइटल में। तो आज की वीडियो होने वाली है थिंग्स ओनली एश कैन डू। तो यारो देखो, इतना ज़्यादा मतलब रेयर टॉपिक है ना, तुम लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। एक दो वीडियोज़ मिल जाएगी बट मैंने उसमें से कॉपी नहीं किया है। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार छोटा भी यूट्यूबर हूँ तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक तो कर ही दो इस वीडियो को, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा यार, कैसे काम चलेगा हमारा। और तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब अभी कर दो। मैं 3 तक काउंट करूँगा, तुम लोगों को ग्रे निंजा की कसम, ग्रे निंजा को रिटर्न लाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। 1 2 3 कर दिया होगा, मुझे पता है तुम अच्छे लोग हो। और अगर तुम अच्छे लोग हो तो तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐश केचम ही है जो वो कर सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐश केचम खुद से ही बना लेता है यार अटैक्स, लाइक सुएलो का बता दिया, थंडर आर्मर, ज़ेप्डोस की क्या ही बेइज्जती करी है उसने, सस्ता ज़ेप्डोस बना दिया यार। ज़ेप्डोस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है, ये मैच देख सकते हो तुम लोग। और देखो सस्ता ज़ेप्डोस बनाया उसने, मूव मेकर तो काफ़ी ज़्यादा बना लेता है और कभी कभार तो खुद ही मूव्स यूज़ कर लेता है। गाइस यू कैन सी दैट ओनली ऐश कैन डू। सेप्टाइल की तरह बुलेट सीड अटैक निकाल रहा है देख सकते हो सेप्टाइल की बेइज्जती, और चार्जार्ड की तरह फ्लेम थ्रोअर। चार्जार्ड ने तभी तो उसकी बात नहीं मानी और सेप्टाइल बेचारे ने उसने मान ली, क्योंकि बेचारा अब सेप्टाइल तो दिख ही नहीं रहा है। तो यार और वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो इससे पहले तुम लोगों को मैं पोकेमोन जर्नीज का बात बता देता हूँ। जो पोकेमोन जर्नीज की डबिंग है तो वो थोड़ी सी बेकार लग रही है मेरे को। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो चार्जार्ड उसकी पहले बात नहीं मानता था, पर फिर उसके बाद देखो चार्जार्ड के पीछे कितने लोग पड़ गए यार। तो चलो ऐश कर सकता है, वो है बॉन्ड एवोल्यूशन। ऐश केचम बॉन्ड एवोल्यूशन कर सकता है जो किसी ने भी नहीं किया है इस पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है एक और बार मूव बना लेता है काफ़ी सारे, जैसे चार्जार्ड का सिस्मिक फ्लेम टॉस्क। और ऐश केचम के आगे एवोल्यूशन कोई मैटर नहीं करता, प्री एवोल्यूशन को हरा देता है और कहीं से भी कूद जाता है, ये ऐश केचम कर सकता है। ऐश केचम किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को समझा देता है, उससे दोस्ती कर लेता है। और ऐश केचम ने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जैसे ग्रेनिंजा पोकेमोन को रिलीज़ कर देना, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात है। और एक और बात बता दूँ, एवोल्यूशन तो मैटर करता ही नहीं है ऐश केचम के आगे, बिकॉज एवोल्यूशन कोई भी छोटा पोकेमोन वो बड़े पोकेमोन को हरा देता है, ये ऐश केचम की खासियत है। और ऐश केचम कभी कभार स्टूपिड भी बन जाता है। ट्रिको इज़ अ वाटर टाइप, सब आसानी से बता सकते हैं कि ट्रिको इज़ अ ग्रास टाइप। नेक्स्ट ऑरा, ऐश केचम का ऑरा काफ़ी ज़्यादा अलग है, और पोकेमोन जर्नीस में तुमने देख लिया कितना गजब ऑरा है उसका। और नेक्स्ट बैटल फ्रंटियर के सब सिंबल्स उसने कलेक्ट कर लिए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। नेक्स्ट उसने डेथ भी देखी है, मतलब डेथ भी देख लिया उसने, और क्या चाहिए यार, ऐसे जब ने डेथ तक देखी है तो ये, और डेथ से वापस आ चुका है, इतनी बार मौत को देखकर वापस आ चुका है, लग ऐसे जब तो कहेगा कि अपन अच्छी भगवान है। सो गाइस ये आज की वीडियो, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक लिया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। पोकेमोन यूनाइट की लाइव स्ट्रीम्स देखो मेरी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पोकेमोन यूनाइट की आईडी मैं तुम लोगों को दे दूंगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्टिल देन पीस आउट, साइन आउट।